श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राजेंद्र सिंह मरवाहा की अगुवाई में भाई वीर सिंह हाल लॉरेंस रोड अमृतसर से एक विशाल प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि अलग अलग बाजारों से होते हुए श्री हरिमंदिर साहिब में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक तलवार, भाजपा नेता गुरप्रताप सिंह टिक्का, अकाली नेता राजेंद्र सिंह मरवाहा और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंदर भट्टी सहित बड़ी संख्या में संगते इस प्रभात फेरी में शामिल हुई। इस दौरान जगह जगह पर संगतों द्वारा लंगर लगाकर व पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजेंद्र सिंह मरवाहा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक तलवार, भाजपा नेता गुरप्रताप सिंह टिक्का व अन्य नेताओं ने बताया कि प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में अरदास के उपरांत पंच प्यारों की अगुवाई में एक विशाल प्रभात फेरी निकाली गई है। उन्होंने कहा कि हम सबको आपस में मिलजुल कर भाईचारे का संदेश देना चाहिए और श्री गुरु नानक देव जी द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगतों में श्रद्धा और उत्साह देखकर मन को अलौकिक शांति मिली है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बहुत बहुत अमृतसर वासियों नूं बधाई दिंदा हैगा, सारे पंजाब वासियों नूं कि सारे विश्व नूं अज दे पवित्र दिहाड़े दी बहुत बहुत शुभकामनावां वधाइयां। अज इक्को ही संदेश हैगा कि सब दा मालिक इक गुरु महाराज ने जो कहा इक ओंकार सतनाम, सारी गल ही खत्म हो जाती है, सारे खुदी ही रूह आएगी है। बहुत प्यार न रहिए, बहुत सद्भाव न रहिए, तो मिल के अज सारी गुरु की नगरी रामदास नगरी किरत करो नाम जगो वन छोड़ो की कह मैं शब्द ही नहीं है। गुरु महाराज ने तो एक लाइन च सब कुछ कह दिता, तो असी महाराज शक्ति दवे सारे उस राह ते चलन, मेरी आही उन्हां दे अगे प्रार्थना हैगी है, आही अरदास हैगी है। अज समुचे जगत नूं धन धन श्री गुरु नानक साहब जी दे प्रकाश पुरब की लख लख वधाई होवे। देशां विदेशां च बहुत धूमधाम नाल जिथे कीर्तन दरबार धार्मिक समागम ढाडी नगर कीर्तन प्रभात फेरियां लग रहे ने, दुनिया नूं नवा उपदेश देण वास्ते सर्वसांझी वालता दा उपदेश देण वास्ते लंगर की जिहड़ी प्रथा चलाउण वास्ते जिहड़ा गुरु नानक साहब जी ने कार्य आरंभिया सी, अज सारे वर्ल्ड दे विच ओ चल रहा। गुरु महाराज कृपा करन, सारिया दी मनोकामना पूर्ण करन, चढ़दियां गलां बख्श। सब तो पहले तो सारिया संगतां नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव दियां बहुत 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 मुबारकां। हर साल की तरह अज भी भाई वीर सिंह हाल तों इह प्रभात फेरी जिहड़ी श्री हरिमंदर साहब तक जाएगी। समूह संगतां नूं एक बार फिर मैं बहुत बहुत मुबारक देना, तो उन्हां ऑर्गनाइजर का मैं धन्यवाद करना चाहवागा जे हर वारी ये उत्तम उपराला करते हैं, सारिया संगतों को ना लैके प्रभात फेरी हरिमंदर साहब वाल चले पा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुम जग चान हुआ, जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। कलयुग के अवतार धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अवतार गुरपुरब सारे संसार दे विच मनाया जा रहा। तो अज ये विशाल प्रभात फेरी जो कि पिछले 20 साल तो लगातार जिहड़ी है वो चल रही है अमृतसर धार्मिक मंच वालों, और अज भाई वीर सिंह हाल तो यह विशाल प्रभात फेरी चल के सचखंड श्री हरिमंदर साहब पहुँचेगी, और सारे शहर दियां सभा सोसाइटियां सिंह सभावां और गुरद्वारे के प्रधान साहब सारे इकत्र हो के गुरु जस गाँव हरिमंदर साहब पहुँचेंगे, जिते राह दे विच भरवां स्वागत किया जाएगा। और उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भरवां स्वागत किया जाएगा। सारे संगतां दे चरणां विच बेनती है कि गुरपुरब दियां लख लख वधाइयां, लख लख वधाइयां, और प्रभात फेरी शामिल हो के गुरु घर दियां खुशियां मनाओ। हाँ जी, ये पिछले 20 साल तो लगातार जिहड़ी प्रभात फेरी शहर दियां संगतां गड्डियां चला रही, अज 554 जिहड़ा अवतार गुरपुरब है ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਜਗੋ। 13-13 ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਸਮ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ
ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जालंधर छावनी में श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जो कि जालंधर छावनी के अलग अलग बाजारों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा साहिब में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू ने अपने परिवार सहित अपने निवास स्थान के बाहर नगर कीर्तन के पहुंचने पर पुष्प वर्षा कर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया और सुंदर पालकी में सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर हरविंदर सिंह पप्पू ने आतिशबाजी कर संगतों का स्वागत किया। इस अवसर पर लक्ष्य सोडी, गीतांजलि, गंगा रमनदीप सोडी सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो कि आज साडे गुरुद्वारा सिंह सभा दे अंदरों गुरु नानक देव जी का शुभ दिहाड़ा बड़े लाजा नाल, बड़े श्रद्धा नाल मनाया गया और जो कि आज साडे मन दे विच बड़े साडा सारा परिवार आंढ गुआंढ ने मिल के जो कि बाबा जी के फुलां की वर्खा की और पटाकियां दे नाल बाबा जी की जीत का स्वागत किया। अज साडे मन दे विच बहुत खुशी हुई, जिदा कि हर साल अज भी बहुत ज़्यादा आनंद आया कि सारी संगत ने लंगर भी छकिया और असी सारे जणे मिल के बाबा जी की जो कि सवारी के उपर फुलों की वर्खा की, बहुत मन खुश होया। अज मैं अपने वालों शीतल विज जो कि प्रधान देवीतला दैनिक सवेरा दे उन्होंने भी गुरपुर की लख लख वधाई दिना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। ऐतिहासिक व पौराणिक स्थान सती वृंदा देवी मंदिर कोट किशन चंद में चल रहे तुलसी आमला पूजन महोत्सव के अंतिम दिन मेले का समापन आए हुए मां भक्तों ने मंदिर में बने सरोवर में दीपदान कर किया। इससे पहले महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों ने तुलसी आमला को मौली बांधकर पूजा अर्चना की तथा आमला के पेड़ की छांव में बैठकर भोजन ग्रहण किया। मंदिर के संकीर्तन मंडली की सदस्याएं ज्योति सोंधी, तरुणा शर्मा, रेनू सोंधी, शशि सरीन, रीटा सोंधी, गीता सोंधी, जनक भंडारी, बेबी उर्मिला बजाज, भूमिका सोंधी, कनिका सोंधी, मोना बजाज, रक्षा रानी, वंदना शर्मा, रानी शाह, सरोज ने संकीर्तन कर सारे वातावरण को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, समाज सेवक संजय कोछड़, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर, वाइस प्रेसिडेंट एमएल चोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद लिया तथा समस्त पदाधिकारियों तथा मेले में आए हुए मां भक्तों को इस धार्मिक कार्यों के लिए बधाई दी। इस मौके पर मंदिर के प्रधान बलराम कपूर, सभापति हरिपाल सोंधी, संयुक्त सचिव व कोषाध्यक्ष महेश कालिया काकू, महासचिव राजेंद्र राजा, उप प्रधान जीवन शर्मा, विनोद सोंधी, टीनू सोंधी, प्रिंस सोंधी, सुखबीर खन्ना ने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, समाज सेवक संजय कोछड़ को सम्मानित किया तथा सभी का मेले में सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी दिया, जिसके बाद प्रसाद के रूप में लंगर भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। सिंह सभा अड्डा बस्ती दानिशमंदा में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़ी ही श्रद्धा भाव एवं धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम रखे गए श्रीखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए, जिसके पश्चात पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक पवन टीनू और विधायक शीतल अंगुराल के भाई सनी अंगुराल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधान बलवंत सिंह, जनरल सचिव जगदीप सिंह, ठेकेदार बलबीर सिंह, बलविंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह, मनदीप सिंह, रंजीत सिंह, हरभजन सिंह कलसी, बीबी रंजीत कौर सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन
जगमोहन की रिपोर्ट। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्त्री सत्संग सभा इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकट उत्सव बड़ी ही श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सर्वप्रथम रखे गए श्रीखंड पाठ साहिब जी का भोग डाला गया, जिसके पश्चात भाई परमिंदर सिंह ने कीर्तन कर उपस्थित संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा। इस दौरान स्त्री सत्संग सभा इंडस्ट्रियल एरिया कथावाचक भाई गुरुचरण सिंह और भाई तेजेंद्र सिंह ने भी इलाही वाणी का गुणगान कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस मौके पर प्रधान हरभजन सिंह सैनी, कोषाध्यक्ष जसवीर सिंह मनचंदा, सचिव सुखविंदर पाल सिंह भाईजादा, हरविंदर सिंह नागी, भूपेंद्र सिंह बेदी, जगजीत सिंह राणा, कुलविंदर सिंह, सत्येंद्र सिंह सोडी, सोहन सिंह जीता, चतर सिंह, सोहन सिंह संघेड़ा, सोहन सिंह मठारू, परमिंदर कौर चाना, कुलजीत कौर राणा, कुलबीर कौर वालिया, कुलजीत कौर कथूरिया, निर्मल कौर भोगल, अमृत कौर वालिया, मनजीत कौर सोडी, सुखविंदर कौर नागी, सुखविंदर कौर बेदी सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। अंत में गुरु का अतुट लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। गुरु नानक ऐसे सतपुरुष दुनिया के पैदा हुए जिन्होंने सच का होका सारे संसार दे विच दित्ता। उन्होंने सर्वसांझी वालता, परस्पर प्रेम अते ज्ञान का चानण मंडिया। उन्होंने विचार गोष्ठी को अपना माध्यम बनाया। अपने विचार लोगों तक पहुँचाने वास्ते वो बड़ी साधारण भाषा के गलबात करया करते सन, विचार गोष्ठी करया करते सन। उन्होंने प्रभाव हर फिरके हर कौम मजहब उस वक्त उन्होंने कबूल किया। विचार गोष्ठी साडे धर्म के विच एक बड़ा वड्डा उसका रुतबा है, स्थान है। इसे अज के प्रोग्राम के मिथे के अनुसार साढ़े बीच साढ़े सत्कार योग ज्ञानी गुरचरण सिंह जी, उन्होंने संगतान को दर्शन दिते ने। वो अपने विचार गुरु नानक की विचारधारा सिखी का विचार वो आप जी दे। हाँ जी प्रधान। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲੇਰੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੱਲੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਨਸਲੇਰੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जालंधर छावनी में श्री गुरु सिंह सभा की ओर से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर पंच प्यारों की अगुवाई में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरुद्वारा सिंह सभा से नगाड़े जयकारों की गूंज के साथ नगर कीर्तन आरंभ किया गया, जो कि पूरे कैंट के बाजारों से होते हुए श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में आकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लंगर लगाए गए। नगर कीर्तन की शोभा को गतका पार्टियों द्वारा और बढ़ावा मिल रहा था। श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान जोगिंदर सिंह द्वारा आए हुए सभी लोगों को सिरोपा देकर स्वागत किया गया।
इस मौके पर पंजाब सचिव राजविंदर कौर, गुरशरण सिंह टक्कर, हरप्रीत सिंह भसीन, सरबजीत सिंह मक्कड़, श्रोमणी अकाली दल कैंट हलका इंचार्ज हरजाब सिंह सांगा, सिविल सदस्य पुनीत शुक्ला, आप नेता सुरेंद्र सिंह सोडी, मोंटू सब्रवाल, अमृतपाल लवली, जगमोहन जोगा, प्रिंस भसीन, पवित्र सिंह, सतपाल सिंह बेदी, बंकी सुरेंद्र सिंह मिनहास, हरविंदर सिंह पप्पू, राजकुमार राजू, सुरेश भारद्वाज, सतविंदर सिंह मिंटू, विक्रमजीत सिंह, हरविंदर सिंह, गुरविंदर सिंह लांबा, पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्डा सहित असंख्य संगत हाजिर रही। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਟੀ ਜੀ, ਸੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੱਦੜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁਰ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰੂਪ ਚ, ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 20 ਮਿੰਟ ਆਪ ਤੁਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀਕੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਟੱਕਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਰਦੀਪ ਬਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਤੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਟ ਵਾਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ।
ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मुक्तेश्वर मंदिर मैनेजमेंट कमेटी स्वामी लोचनानंद आश्रम बस्ती 9 में पंडित मनोज कुमार तिवारी के सानिध्य में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें व अंतिम दिन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर करवाए गए हवन यज्ञ में पंडित राजीव कुमार मिश्रा, पंडित शिवधर द्विवेदी, पंडित विजय मिश्रा, पंडित राहुल, पंडित शिवम, पंडित रवि रंजन, पंडित अंकित द्विवेदी, पंडित राजकुमार तिवारी, पंडित रवि भूषण चौबे, पंडित आर्यन चौबे ने मंत्रोच्चारण सहित आहुतियां डालकर यज्ञ संपन्न करवाया। स्वामी लोचनानंद सरस्वती एवं स्वामी जगदीशानंद महाराज की प्रेरणा से शुरू हुई साप्ताहिक श्रीमद भागवत कथा में कथा व्यास देवकी नंदन पटियाला वालों ने अपने मुखार विंद से कथा के अंतिम दिन सुदामा चरित परीक्षित मोक्ष के बारे में जागरूक किया। कथावाचक ने कई अन्य भावपूर्ण कथाओं का भी वर्णन किया। इस दौरान विधायक शीतल अंगुराल के भाई सनी अंगुराल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं आयोजक कमेटी के पंडित मनोज कुमार तिवारी को इस शुभ कार्य की सफलता के लिए बधाई भी दी। पंडित मनोज कुमार तिवारी ने कथा में सहयोग करने वाले उपस्थित संगत का धन्यवाद किया। इस अवसर पर पंडित प्रमोद शर्मा, अक्षय शर्मा, रमेश शर्मा, शशि शर्मा, पंडित मनोज गिरी, सविता देवी, आत्मदेव कत्याल, मीना कत्याल, संदीप चड्डा, बिंदिया चड्डा, प्रवीण, किरण बाला, श्याम सुंदर, रमेश शर्मा, शशि शर्मा, राजीव भारद्वाज, अनिशा भारद्वाज, कमल मेहता, अंजलि मेहता, संजीव बब्बर, कृति बब्बर, अमित कुमार, उमा देवी सहित असंख्य भक्तजन शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। राम के यदि सलभ है तो एक काम कर, राम के चरणों में जाकर के राम राम कर, सभी राम मिलेगा, सभी चैन मिलेगा, बिन राम नहीं आराम। शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया।
इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक हकीकत राय एंड पार्टी ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की। उन्होंने माता की भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर के कैशियर पविंदर बहल, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सैगल, कपिल सैगल ने गायक कलाकारों को मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में भी साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में गायक सोहन लाल एंड पार्टी ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, प्रवीण दावेश्वर, नरेंद्र सहजपाल, दिनेश सागर, अशोक सोपती ने गायकों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अशोक शीतल, चंद्रमोहन ढिंगरा, मोनू सरीन, संजीव सानी, गोवर्धन गोंदी, किरण कुमार, रमेश जालंधरी, पप्पी चंचल, राजेंद्र कपूर, राजकुमार सहगल, राजेंद्र कुमार मदान सहित मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर की ओर से श्री देवी तला मंदिर परिसर स्थित आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है, इस संबंधी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बताया गया कि राजयोग ध्यान द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इस दौरान अलग अलग प्रयोगों और योगिक क्रियाओं संबंधी भी जानकारी दी गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ओम शांति। ये प्रदर्शनी हर एतवार में गुलाब देवी मंदिर की जगह के लिए लगाई जाती है और इस प्रदर्शनी के आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझाया जाता है और नशा तो बचने लिए कोई ज्ञान दी गल समझाई जाएँ और ये सा जीवन बहुत उच्चा तो सुचा बन जाता है। ये प्रदर्शनी देवी तला मंदिर के प्रबंधकों की मंजूरी के नाल लगाई जाती है। असं उन्होंने कोट कोट धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उपराले ये सारी प्रदर्शनी लगाई तो कई आत्मा कई लोगों को बहुत फायदा होंगे। ओम शांति। लॉयंस क्लब जालंधर व शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े रहे सतलुज ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर रविंदर सिंह बिल्खू, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया गुरुद्वारा नौवीं पातशाही दुख निवारण साहिब जीटीबी नगर जालंधर में की गई। इस दौरान कीर्तनी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय रविंदर सिंह बिल्खू की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, पूर्व मेयर सुरेश सहगल, लवली ग्रुप के रमेश मित्तल, प्रसिद्ध उद्योगपति नरेंद्र भारज, हरभजन सिंह सैनी, दविंदर सिंह रहेजा, राजकरण सिंह मरवाहा, विजय खुल्लर, गुरचरण सिंह सियाल, जेबी सिंह चौधरी, अमरीक सिंह पायलट एवं पारिवारिक सदस्यों में सुखजिंदर कौर बिल्खू, बलविंदर कौर बिल्खू, परमजीत सिंह बिल्खू, नरेंद्र कौर बिल्खू, नरेंद्र सिंह बिल्खू, सुरजीत कौर बिल्खू सहित राजनीतिक धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय रविंदर सिंह बिल्खू को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर पुलिस ने सूचना के आधार पर दो नशा तस्करों को किया काबू, 6 किलो हेरोइन एक कार की बरामद। अमृतसर की श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल का किया गया आयोजन, कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। गुरुद्वारा द्वाबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा होशियारपुर जालंधर में धूमधाम से मनाया गया गुरु पर्व। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने माथा टेक प्राप्त किया आशीर्वाद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।